हाँ तो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों, आ चुके हैं एक और न्यू सोलो कॉन्करर रैंक पुशिंग वाली वीडियो में। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ ए स्टार 10 पे। तो डोमिनेटर के लिए मुझे कुछ भाई 20 से 22 का ही प्लस करना है। तो दोस्तों, आप लोग कौन से टीयर पे हो और आप लोगों की रैंक क्या है, एक बार ज़रूर से बता देना। और बात करें कि आज के दिन जो है कॉन्करर कितने पॉइंट्स पे देखने के लिए मिलेगा, तो आज के दिन जो है आप लोगों को कॉन्करर 5515 रैंक पे, मतलब आप लोगों को कॉन्करर देखने के लिए मिल जाएगा। इससे कुछ आप लोगों को 10 से 15 प्लस कर लेना है, जैसे कि 5525 या 30 प्लस कुछ कर लेना है, तो जो है आप लोगों को आज के दिन कॉन्करर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करें इस गेम प्ले की, तो भाई इस गेम में अपन ने यहाँ पे नई स्ट्रेटजी अभी चालू करी है, जैसे कि भाई उतरो और सबसे पहले गाड़ी उठाओ, और गाड़ी उठाने के बाद में पहला काम करो रिकॉल का, और रिकॉल लेने के बाद में जिस साइड में मतलब इवेंट है वहाँ पे बॉट्स वगैरह आते रहते हैं भाई पीछे पीछे की साइड में से, तो वहाँ पे जाके जो है आप लोगों को भाई एक दो बॉट ईजी पेल देने हैं। अगर आप एक दो बॉट पेल भी देते हो और आप लोगों का रिकॉल सेफ है दोस्तों, तो उसके बाद में आप लोगों को फाइट वगैरह जिधर जिधर भी घुस घुस के लेनी हो ले सकते हो। अब जैसे कि मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ उसी इवेंट के अंदर, और यहाँ पे हो रही थी फाइट। अब ये बंदे ने जिस तरीके का भाई फिनिश किया ना, इस बंदे के लिए भाई लाजवाब तारीफ है, क्योंकि भाई ने जिस तरीके से फिनिश किया ना, पहले मुझे फिर बग्गी वाले को, भाई बहुत ही खतरनाक। अब दोस्तों, अपने पास में रिकॉल था, तो अपन रिकॉल लेने के बाद में सीधा उतर जाते हैं भाई नोवो रूप नोवो के इस साइड में, जिधर मतलब भाई शेक वगैरह छोटे छोटे रहते हैं। अब इस साइड उतरने के बाद में यहाँ पे एक बंदा रहता है, और उतरते के साथ ही इस बंदे से हो जाती है फाइट। और जिस तरीके से यहाँ पर भाई को फिनिश करते हैं ना दोस्तों, अपन एकदम सरप्राइजली। अब इस भाई को फिनिश करने के तुरंत बाद ही यहाँ पर एक और प्यारे बॉड भैया आ जाते हैं, और अपनी केडी तो दोस्तों मेंटेन करनी है अपने को, तो यहाँ पे थोड़ी केडी भी मेंटेन कर लेते हैं। अब ये प्यारे बॉट भैया को फिनिश करने के बाद में अपन निकल जाते हैं सीधा पीछे की साइड में, जिस साइड भी मतलब भाई मैं इस जोन के जोन में जब घुसता हूँ ना, तो दोस्तों मैं जब जोन का फोर्थ सर्कल स्टार्ट होने वाला रहता है, मतलब फोर्थ सर्कल स्टार्ट हो जाता है जब जाके जो है मैं जोन के अंदर बीच में जाके अभी होल्ड करता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे टाइम पे होल्ड करोगे तो आप लोगों को अच्छा खासा प्लस भी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। वरना आप अगर भाई करते हो, जैसे कि भाई मतलब आप अगर भाई पहले के पहले घुस जाते हो, और अगर कोई भी कंपाउंड पे कहीं भी कोई बंदा होल्ड करके रखा हो और कोई कैंपर आपको मार दे, तो दोस्तों आप लोगों को माइनस ही मिलेगा। तो यही स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करके चलते हो तो दोस्तों देख ही सकते हो, मतलब आप अभी भाई थर्ड सर्कल का जोन जो है स्टार्ट हो चुका है, और सर्कल जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ क्यों ना अब के टाइम जो है सर्कल में निकला जाए। अब यहाँ से फोर्थ सर्कल का जोन स्टार्ट हो चुका था, तो अपन निकल लेते हैं सीधा सर्कल में इस टाइम पर। और सर्कल में जाने के बाद में मैं कोई भी कंपाउंड जहाँ भी भले बंदा हो कोई भी हो, वहाँ पे डायरेक्टली जाके गाड़ी डाल देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई भी कंपाउंड या शेक कोई सा भी चीज़ अगर आपने होल्ड कर लिया दोस्तों, तो आप लोगों को टॉप 10 से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा टाइम ऐसा होता है, मतलब भाई ये टाइम पे अगर आप लोग कोई भी शेक वगैरह होल्ड करके बैठ जाते हो, तो वहाँ पर कोई भी बंदा मतलब भाई आप लोगों के ऊपर पुश वगैरह करने का ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर आएगा तो आप लोग उसको भाई फिनिश कर सकते हो। अब इसीलिए भाई जो है मैं हर बार यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ दोस्तों। तो अब की बार मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो भाई अपनी गाड़ी के ऊपर स्मोक करके अभी निकलेंगे अपन सर्कल में, क्योंकि सर्कल जो है स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ से देखना किस तरीके से अपन जोन में रोटेशन देते हैं और किस तरीके से पोजिशन होल्ड करते हैं दोस्तों। अब इस बंदे के ऊपर यहाँ पे मैं थोड़ा डर डर के फायर ले रहा था, क्योंकि भाई कोई बंदा अगर मुझे ओपन से फिनिश कर देता तो अपने को भाई अच्छा खासा मतलब भाई माइनस तो नहीं लेकिन प्लस भी अच्छा नहीं मिलेगा। अब उतने में ही लेफ्ट साइड की तरफ से ये भाई ओपनली मतलब भाई भाग के आ रहे होते हैं, और ये भाई यहाँ से जैसे गाड़ी उठाते हैं वैसे यहाँ पे भाई को फिनिश कर देते हैं अपन।
अब अपन को यहाँ से दोस्तों जोन में रोटेशन देनी थी, क्योंकि नेक्स्ट सर्कल भी अपने से थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका था और काफ़ी सारे बंदे मतलब पोजीशन होल्ड करके बैठ गए थे। अब यहाँ से देखो किस तरीके से जो है भाई अपन पोजीशन होल्ड करते हैं और जहाँ भी अपने को पोजीशन मिलेगी वहाँ पर जाके अपन होल्ड करेंगे। अब मुझे ये पोजीशन यहाँ पे भाई अच्छी दिखती है, लेकिन यहाँ पे रहता है बंदा। अब मैंने सोच लिया था भाई इस बंदे से तो फाइट लेनी है कैसे भी, और यहाँ पे होता भी ऐसा है, ये बंदा जो है भाई गाड़ी से उतर के अपने ऊपर मॉली वगैरह फेंक देता है, लेकिन यहाँ पे देखना अभी क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई बंदा जो था दोनों बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, अगर मैं एक भी बंदे को वहाँ पे फिनिश कर देता हूँ तो दूसरा बंदा मेरे को इजीली फिनिश कर सकता था, तो मैं इसीलिए यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि दोनों बंदे को गाड़ी से फोड़ के अपन फिनिश कर दे, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं समझ चुका था बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा, क्योंकि उस बंदे ने फाइट भी करी और मैंने वहाँ पे BRDM फोड़ दिया, तो वो बंदे के इधर मैं नेट डाल देता हूँ और भाई बंदा फोड़ भी जाता है। उधर में ही पीछे की साइड से एक और बंदा भाई मेरे ऊपर पुश कर देता है यहाँ पे, तो मैं उस बंदे के ऊपर यहाँ पे नेट मॉली वगैरह फेंक देता हूँ, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क पड़ता है नहीं। तब जाके मैं उस बंदे के इधर फटाफट से स्मोक फेंक देता हूँ, क्योंकि ताकि जो है बंदे का विजन ब्लॉक हो जाए और मैं पीछे की साइड में BRDM के कवर में जाके बैठ सकूँ। अब दोस्तों ये चीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि भाई सामने वाले का अगर आप विजन ब्लॉक करके पीछे की साइड भागेंगे तो उस बंदे को इतना अंदाज़ा नहीं होगा। अब ये भाई यहाँ से बग्गी लेके अपनी निकलने के चक्कर में थे, तो यहाँ पे मैं भाई को इजीली फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि भाई ने यहाँ पे पूरा ओपनली कवर लिया था और ओपनली मेरे को दिख भी जाते, भाई को यहाँ पे हेडशॉट देके अपन फिनिश कर देते। अब यहाँ पे खाली टॉप 3 आ चुके थे अपन दोस्तों। अब मेरे लेफ्ट साइड में दोनों बंदे थे आपस में फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक बंदा एक भाई को फिनिश कर देता। अब मुझे पता था यहाँ पे 1v1 की सिचुएशन है तो क्या करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस बंदे के पास में जो है भाई न्यू एनर्जी है, क्योंकि इसे एनर्जी तो नहीं बोलूँगा भाई पावर बोलूँगा, जैसे कि न्यू पावर मोड है ये, तो न्यू पावर है, तो ये चीज़ से आप जोन में भी फटाफट से आ सकते हो और भाई अच्छा खासा कवर पा सकते हो। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले अपनी गाड़ी उठाता हूँ और सीधा निकल पड़ते हैं सर्कल की तरफ, लेकिन सर्कल भी देखना यहाँ पर बंदे के ऊपर ही था। अब दोस्तों यहाँ पे घुसते के साथ ही भाई सबसे पहले तो DPS उठा दे अपन, और DPS उठा के भाई को तुरंत ही भाई फिनिश कर दे दे। अगर ये चीज़ अगर भाई को पड़ती नहीं तो दोस्तों अपना गेम तो यहाँ पे ओवर हो चुका था। लेकिन प्लस देखो दोस्तों 33 का प्लस, दोस्तों अब तक का बेहतरीन प्लस था ये, मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा कम प्लस देखने के लिए मिल रहा है अभी, लेकिन भाई जिस तरीके का प्लस देखने के लिए मिला ना आज मुझे एकदम मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।